क्योंकि कोई ऐसी शख्सियत होती है जो कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करती हैं डॉक्टर साजदा नवाज़ हमारे साथ डॉक्टर साहब वालेक वाले और हमारे साथ ऐसे रहनुमा होते हैं जो कि इन मामला पे अपनी गहरी नज़र रखने के बाद हदायत भी करते हैं और मशवा भी देते हैं अमामा महमूद अहमद चश्ती सर खैरियस है हजूर डॉक्यों का डॉक्टर साजदा ये नहीं तो डॉक्टर साजदा के अंदर एक साइंसदान है वो अपनी जगह बात है लेकिन डॉक्टर साजदा के अंदर एक फ़कीर है इनकी शख्सियत को देख के ना अभी जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे एक बात याद आई जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ ये अर्ज जो है ये दस्त बदस्त है और एहतराम है पाकिस्तान में एक शहर है शायद वो लिया है कल उसकी एक मस्जिद जो है उसके साथ एक मुल्क का घर था वो घर की छत जो है वो गिर गई और इसमें उस इमाम साहब के बच्चे और फैमिली रहती थी उनके घर में उनकी बीवी उनकी बेटी उनके बेटे तमाम लोग उस छत को गिरने से हलाक हो गए मैं उनको शहीद कहूँ या ना कहूँ, मैं ये भी फैसला नहीं कर सकता क्योंकि आपका यह फैसला होना चाहिए वो शख्स जिसने सारी जिंदगी लोगों के लिए अमामत की मस्जिद में उसके घर में एक भी शख्स जिंदा नहीं है आज वो अपने घर के पांच जनाजे जो है वो पढ़ाएगा पांच जनाजे वो पढ़ाएगा लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं कि जिन लोगों से हमें उम्मीद होती है कि ये बहुत करें हमारे लिए ये हमारी रहनुमाई करें उनके घर में से अगर पांच जनाजे भी उठ रहे हों तो इस माशरे के लिए वो कोई ख़बर नहीं होती मेरी दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तानियों से कि खुदा के वास्ते उसके घर वालों के लिए फातह पढ़ें और इस साहब के लिए जिनके घर में जो अमामत अब भी कराएँगे उनके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उनको इसके हिम्मत दे कि वो इस हादसे को पूरा कर सकें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कॉलर हमारे साथ हैं लेकिन आपसे जो गुफ्तू करनी है इस पर आप मुझे इंतहा मुख्तर एक मामला बताइए कि आम तौर पर हम खातन के बांझपन की बात करते हैं और ये एक बड़ा डिलेमा सा बन गया है एक कि ये बाझ औरत है और बग़ैर किसी भी वजह के बग़ैर जो है उसको बाँझ करते क्या मर्दों का बजपन भी होता है मर्दों का भानछन ना सिर्फ होता है बल्कि औरतों से ज्यादा होता है औरतों से ज्यादा हो रहा है इस वक्त जो जी इस वक्त जो अभी 2019 की जो हमारी स्टडीज हैं जिनको हम लोगों ने पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान पाकिस्तान दूसरे कुलज के साथ भी मिल किया है उसमें मेल इनफर्टिलिटी औरतों के मुकाबले में ज्यादा आ रही ज्यादा है।, है ये पहले तो नॉकआउट हो गया ना ठीक ये फरमाइए कि ये मेल इनफर्टिलिटी को क्या कहेंगे ये क्या चीज होती है देखिए لفظ अगर हम बोले ना मर्दाना बांझपन तो इससे बात की समझ, समझ नहीं आती ऐसे लगता है जैसे बड़ी ब्रॉड सी टर्म है कि कहाँ से प्रॉब्लेम क्या चीज है ये क्या है मेरे ख्याल में इसको आपको इस तरह लेना चाहिए कि एक मर्द फ्रॉम हेड टू टो जी उसका कोई ना कोई ऐसा उज्र है जो उसका आगे बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम कर रहा है लोग समझते है कि जिस मर्द के ऊपर टाइटल ला गया मर्दाना बांझपन तो अब वो जी चूंकि मखसूस एरिए प्रॉब्लम मतलब कि मर्दाना बांझपन का ताल्लुक मर्दाना ताकत से नहीं है नहीं है मरदाना ताकत एक लहजा चीज है और ये बड़ी बात प्रो है creation, यानी अपनी हो है। बात एक पर... आदमी मर्दाना ताकत ना रखता हो अलग लेकिन एक आदमी मर्दाना ताकत रखता है लेकिन वो है, वो है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, नहीं कर ये सकता। ये एक... एक... एक सेपरेट स्टोरी डॉक्टर सेपरेट तो तो साहब इसको बीमारी कहेंगे नुक्स कहेंगे क्या कहेंगे देखिए, बीमारी भी कह सकते हैं कुछ चीजें ऐसी है मरदाना वो बीमारी के साथ हैं ठीक कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो सिंड्रोम जो कि तीन चार बीमारियों का मजमु होता है, है उसके साथ है कुछ ऐसी चीजें हैं वो एक छोटा सा नुक्स नुक्स है है, है है और ये एक छोटा सा मुराद हो सकती कि कोई ऐसी चीज जो बीमारी नहीं है लेकिन नुक्स है पैदा भी हो सकता है और कुछ ऐसे नकायस भी होते हैं जो ठीक हो सकते हो बिल्कुल हो सकते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम समझते ये हैं के मर्द में प्रॉब्लम आ गई है अब तो ये मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि ये डॉक्टरी इलाज ना कराओ हकीमी इलाज हकीमी करा कराओ अच्छा फिर एक स्टिग्मा ये कि लोगों का इल्म नहीं है फिर दूसरा स्टिग्मा ये कि लोग समझते हैं कि मैं हकीम की दवाई खाऊंगा मेरे यान्दर यान्दर मर्दाना मर्द जो है वो सिर्फ मर्दाना बांझपन को मर्दाना कमजोरी ही मर्दाना ताकत समझते ये टोटली गलत है मैंने कई लोगों को अपने अब तक माशरे में डिवोर्स होते देखा कि क्या जी लड़की की शादी हुई लड़की पहले दिन गई जी हफ्ता एक रही वो तो मर्द ही नहीं है ये बड़ा मखसूस लेकिन उस मर्द को तो पता होता है ना कि मैं मर्द नहीं, नहीं, हूं। नहीं वो नहीं है उसके बाद अच्छा अब उसका उसका उज़र अगर एक प्रॉब्लम आ भी गई है आपने शादी कर ली है लेकिन इस बेस के ऊपर स्ट्रेट वे डिवोर्स नहीं होनी चाहिए या तो इसको पहले देखना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो मैं इस वक्त इतने बड़े लोगों को पता होना चाहिए वो भी काबले इलाज है तो तो लोग ज्यादातर लोग ज्यादा नहीं ज्यादातर नहीं, ज्यादा नहीं कहना चाहिए आपको मैं बताती हूँ कि अगर तो आप मेल मर्दाना ताकत कहें तो वो फिफ्टी परसेंट काबिल इलाज है और अगर आप कहें कि प्रोक्रिएशन यानी कि फर्टिलिटी जी उसकी कितनी कितने परसेंट है फर्टिलिटी से मुराद हो सकता है, स्पर्म काउंट उसका या जी, जी, इस तरह चीजें उसमें थर्टी टू फोर्टी परसेंट हो जाती है सक्सेस हो जाती है, अभी जो मॉडर्न तरीकाकार आए हैं जैसे हमने आपको बताया था जी, वो बच्चा भी इधर आया था जो वर्ल्ड का पहला स्टेम सेल बेबी है तो स्टेम सेल से मैं काफी होपफुल हूँ कि इससे ऐसे लोगों को थर्टी टू फोर्टी परसेंट उन्हें फायदा हो जाता है जिनके या तो बिल्कुल डेड हैं या बहुत कमज़ोर हैं या है ही नहीं। या ही नहीं। मैं वापस आके कॉलर ले लूँ डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि ये जो तरीका इलाज है ये पाकिस्तान में कितना सहूलत से मैसर है अगर हम लोगों को तालीम दे रहे हैं तो फिर वो कहाँ जाएँ किस से बात करें कौन लोग हैं जो कि इन चीज़ों को ट्रीट करते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी अस्पताल में जाएं वहाँ पे आप 50 डॉक्टरों की लिस्ट देखेंगे वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं नज़र आता जो कि कहे कि मैं मर्दाना बांझपन का इलाज करता हूँ वो हमेशा वो लोग होते हैं जो दीवारों पे लिखाते हैं कि मर्दाना बांझपन का शर्तिया इलाज और नीचे जो एड्रेस होता है वो हकीम का होता है लुबना असल बेटा वालेकुम सला जी मेरा पुत्र मुझे डॉक्टर साहबा से बात करनी सुन रही हैं डॉक्टर तो साहिदा मेरी शादी को आठ साल हो गया और मेरी उम्र जो है वो थर्टी फाइव है एज और बच्चे नहीं है पहले जो है वो रसोलियों का इलाज हुआ है उस पर भी काफी खर्चा हुआ है और उसके बाद जो टेस्ट करवाई थी उन पे भी और आपसे करवाई है उस पर भी आपको खर्चा ओपन है ओपन है लेकिन मेरी बात जो है वो पूरी नहीं हुई थी इसलिए मैंने अब दोबारा कोशिश की आपसे बात करने की कि अब जो है ना वो हम लोग में बात करनी सीखी है या सुननी भी सीखी है की तो <laughs> क्या बात तो क्या टेंशन की बात है डॉक्टर साहब सुन रहे हैं मैंने ये कहा की ट्यूब ब्लॉक है या खुली हुई है ट्यूब ब्लॉक है हाँ तो आपका टेस्ट बेबी होना है तो आज आपने फ्री आईवीएफ के लिए कॉल की है वो ये कहना मैंने पिछली दफा भी कॉल की थी लेकिन अच्छा मेरी तुम बात सुनो देखो अल्लाह तुम्हारे साथ कितना है तो खुदा के नाम पे इशारे समझो अभी नहीं वापस नहीं। आए हैं लोगों को कॉल नहीं मिलती अभी हमने कुछ कहा भी नहीं कि डॉक्टर साहब जो है वो पहले तीन कॉलर या पांच कॉलर फ्री करें डॉक्टर साहब ने खुद ही कह दिया कि आप कॉलर हैं डॉक्टर साहब अपने पैसे आपसे नहीं लेंगी आप सिर्फ अपनी अद्वियात अपने ऊपर खर्चेंगे अगर मैंने लिए तो तुम बिलाल बिलाल साहब को आके कर सकती हो कंप्लेंट और खुदा के लिए खुदा के लिए मुस्बत सोचो ये होते हैं अशारे जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं अगर अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा ताला ट्यूब क्योंकि ब्लॉक हैं तो, तो इसका इलाज डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि ये टेस्ट ट्यूब ही इम्तहान में से कामयाबी के साथ और सहल तरीके से आपको निकाले सुमेरा हमारे साथ है

अब हम बिलाल भाई को बताएंगे अच्छा आपकी शिकायत मेरे सर आंखों पे लेकिन मैं ये बात जो है ना ये बड़े अदब अच्छा। से कह रहा हूँ बड़े ही अदब से कह रहा हूँ बात बिल्कुल ईमानदारी से और हल्फन कह रहा हूँ एक इंतहाई अमीर आदमी बरतानिया के अंदर उसको मैंने कहा कि आप साइदा साहिबा से बात करें वो साइंसदान औरत है छोड़ बरतानिया बरतूनिया में मैं ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ बरतानिया बरतूनिया में जो हेल्प है साइदा उससे एक हजार साल आगे की बात करेगी तू सोच नहीं सकता अब वो इंसान इंतहाई अहम शख्सियत है आ, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता उसने कंप्लेंट क्या किया मुझे डॉक्टर शाह नवाज की उसने शिकायत मुझे बेची कहते जनाब शाह नवाज तो पैसे लेती हैं मशवरे के क्या बात है जिससे मैंने कहा खुदा के वास्ते इस वक्त कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो मशवरे के पैसे नहीं लेता और पैसे मशवरे की लेनी है डॉक्टर ने कोई घंटेरिया बेचनी है कि वो आपको कुछ चीज देगा मशवरे के पैसे अक्र आप ये मैं बात आपको अपना बगैर सायदा को देखे बगैर कह रहा हूँ ये मैं खास तौर पर आदमियों को और औरतों दोनों को कह रहा हूँ इसमें मर्द और, और औरत की कोई अलग बात नहीं है अगर आप बखील है ना तो फिर खुदा से तोबा कीजिए और अल्लाह से माफी मांगिए क्योंकि अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को बुखल हरगिज हर गिज हर पसंद नहीं है नहीं। आप जाना चाहते हैं अल्लाह की रहमत की तरफ और काम और एक्ट वो करना चाहते हैं जो खुदा को पसंद ना हो प्लीज मत कीजिएगा अफगानिस्तान से हमारे किसी दोस्त ने फोन किया जी सलाम बेटा जुमा खान जी कॉल किया है मेरा नाम जुमा खान है लास्ट ईयर हमने डॉक्टर साहबा से अपने इलाज करवाया था मेरी छह बेटिया थी अभी अल्लाह के फजल करम से नियमत से मुझे एक बेटा अल्लाह ने अता किया है ओ मुबारक हमने आ, हाँ जुमा खान कैसे हो मुझे याद आ गया आपका ना हाँ? माशाल्लाह क्या ले डॉक्टर साहब हाँ, अल्लाह का शुक्र हाँ, है हमने आपसे इलाज करवाया था लास्ट ईयर जी जी स्पम सॉर्टिंग किया था आपका हमने आपका थोड़ा आता है बहुत नहीं आता है अच्छा अच्छा चलो मुझे खान, अभी आप कहाँ पर हो आप काबुल में है हम काबल से बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से अफगानिस्तान यार जुम्मे खान एक तो तुम्हें अपना बेटा मुबारक हो दूसरी बात यह कि तुमने इलाज आके पाकिस्तान से कराया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी हम अल्लाह के शक्र गुज़ार हैं तीसरी बात यह कि जो कामयाबी तुम्हें इस सारी दुनिया में से पाकिस्तान में जिस औरत की वजह से हुई वो आज कुतुबॉन लाइन में मौजूद है अल्लाह ताला का ये रहम करम और मैं सारे पाकिस्तान को नहीं सारे मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ एटमी ताकत नहीं है पाकिस्तान बहुत बड़ी अल्लाह के फजल से ताकत है खुदा का शक्र है अल्लाह ने इज़्ज़त रखी कि अल्लाह ताली ने एक और मुल्क के शख्स को ये हमारे लिए एक वसीला बनाया डॉक्टर साहब बाहर से लोग आते हैं ज़्यादातर अभी अफगानिस्तान का आदमी हमारा है। जो एक्चुअली जो हम जेंडर सिलेक्शन कर रहे हैं ना जेंडर सिलेक्शन के कोई भी कंट्री तीनों मेथड नहीं दे रहा हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मेथड चल रहा है दैट इज ओनली पीजीडी पीजीडी का मतलब है कि पहले टेस्ट ट्यूब भी, भी करें फिर उसके बाद उनकी बायोप्सी कराएं बायोप्सी कराने के बाद अगर आपको पता चले कि ये वाला बॉय है ये गर्ल है तो बॉय को आप रख दें अच्छा ये तरीक़ाकार हम भी करते हैं लेकिन मैं इसको आम तौर पर डिस्करेज करती हूँ लोगों को उसकी वजह ये है कि मेरे अपने एथिक्स के मुताबिक हो क्योंकि उलमा ने तो उसको वो नहीं कहा कि ये गलत है यानी क्योंकि मुझे ये बड़ा तकलीफ़ दे लगता है कि अगर किसी के चार एम्ब्रियो बने हैं तो मैं उसके दो एम्ब्रियो सिर्फ इस वजह से वेस्ट कर दूं कि वो बेटियां हैं मुझे ऐसा फील होता है कि एक ये किलिंग है तो ये एक मेरी फीलिंग है मैं इसको पीजीडी को ज़्यादातर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ कि जिसमें हमें कंजेनिटल एबनलिटीज़ हो जैसे जैने किसी जैने के, के बच्चे मरूसी बीमारियाँ तो वो, वो हम डायग्नोज करें कि जो हम इस औरत के अंदर एम्ब्रियो रख रहे हैं क्या बिल्कुल ठीक है उसके ऊपर भी हम किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि कौन कौन सी मरूसी बीमारियों की तशखीस हम पहले कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट उलाद नरीना के लिए वजीफ़ा पढ़ना तो जायज़ है ना उसमें तो कोई बुराई नहीं है जी जी बसमिल दो तीन बातें मैं यहाँ पर बैठा सुन रहा था पहले बुखल की हम बात कर रहे थे अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबीया अर्ज़ किया यारसोल्ला मेरे पास कुछ माल है कुछ पैसे हैं मैं कहाँ ख़र्च करूँ अल्लाह के रास्ते में करूँ फरमाया नहीं अपनी ज़ात पर ख़र्च करो अर्ज़ किया यारस उसके बाद अगर बच जाए फरमाया अपनी ज़ात पर ख़र्च करो यारसोल्ला उसके बाद अगर बच जाएँ फरमाया अपने अहल जहाँ पे कायन के अंदर सबसे कीमती नमत औलाद नौरीना है और अपनी ज़ात है अगर वहाँ पर भी हम बुखल करना शुरू कर दें तो इससे बड़ी बदकिसमती नहीं हो सकती अल्लाह खुश रखे। और दूसरी बात अच्छा अल्लाह अल्ला के नबी ने इर्शाद फरमाया ये जेंडर सिलेक्शन की बात कर रही थी डॉक्टर साहबा अल्लाह के नबी ने इर्शाद फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत बेटियों से है तो बात यह है कि बेटियाँ रहमत भी हैं लेकिन उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए अब रहा सवाल वो जो आप कर रहे थे कि औलाद के लिए वजाइफ़ देखें दवाओं से मावरा जो चीज़ है वो अल्लाह की रहमत है बेशक और दुआ जो है जैसे फरमाया जाता है लाई रद्दुल्कजा दुआ तकदीर को कोई चीज़ बदल नहीं सकती मासीवाई दुआ, दुआ के। जब कोई शख्स वजीफा करता है ना तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि उसकी जो अंदरूनी कैफियात हैं लॉ अल्लाह से लग जाती है, है। उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है वो उसकी कैफियात ये होती हैं कि वो अल्लाह से एक सवाल कर रहा होता है कि अल्लाह कभी रहीम कह के कभी मुसविर कहता है कभी वो अल्लाह को जो है वो खालिक कहता है वो ये सारे वज़ाइफ़ करके उसका मकसद सिर्फ़ एक होता है कि अल्लाह मैं तुझे तेरे मुख्तलिफ़ नामों से पुकार के सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे साहिब औलाद कर दे तो ये ये तरीका तरीकाकार है औलाद औलादा के लिए एक बड़ा खूबसूरत वजीफा कि जनाब इब्राहिम नबीन आल सलाम की दुआ दौ, वो भी पढ़ी जाती है रबी हबली मिनस मिनस कसरत से फरमाते हैं कि इसको पढ़ने से अल्लाह खाली की कानात औलाद नौरीना फरमा मैं एक अपने तजर्बे से एक बात कह रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात जो है ना ये बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के तजर्बे में मेरी मेरी ज़ाति कोई बहन नहीं है हम चार भाई हैं लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में यह तजर्बा देखा कि जितनी खिदमत माँ और बाप की बेटियां शादी के बाद भी करती हैं यकीन कीजिए बेटे उनके पास रहते हुए उतनी खिदमत नहीं कर सकते हो सकता है बात आपको झूठी या तलख लगे लेकिन जिंदगी में आप इन शाह तरने से पहले ये बात समझ कर जाएंगे हम पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि बेटे होंगे तो ज्यादा खिदमत होगी मैंने अपने तजर्बे में समेत मेरे ये नहीं देखा जी सलाइकम गुजरा वाला वाल। जी सबा बेटा वालेकुम जी मैं सभा से गुजरा वाला से बात कर रही हूँ जी बिस्मिल्ला मेरी मेरी शादी को साढ़े पाँच साल हो गया है मेरी कोई लाभ नहीं है अच्छा बहुत ज्यादा मैंने इलाज करवाए हैं ट्रीटमेंट करवाया है, चेकअप करवाया अपना सारा हाँ। डॉक्टर से बात करनी थी मैंने कि उनमें मेरी ना ट्यूब ब्लॉक हैं। तो ये मसला है ना यानी आप तो, पता है कि हाँ, ट्यूब ब्लॉक है जी तो मियाँ का कोई उजर नहीं है है? हाँ, उनकी रिपोर्ट करवाई है वो बिल्कुल ठीक है तो अब उन्होंने मेरे ससुराल वालों ने ना होने की वजह से से मुझे घर निकाल दिया है मैं आजकल अपनी अम्मी के घर हूँ तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाता है तो आप आ जाना नहीं तो फिर आप उधर ही रहना तो मैं बड़ी परेशान हूँ मेरे माँ बाप इतने नहीं है अब वो मेरे की डेथ हो गई है छे माँ हुए है तो भाई ये क्या उनकी इतने साइल नहीं है कि वो मेरा इलाज करवा सके अच्छा मेरी बहन एक बाली बात सुनो पहले तो तुमने अपने शौहर को फ़ोन या मैसेज करना है और कहना है कि बिलाल बिलकुतब ने तुम्हें बड़ी शाबाश दी है तुम जो काम दुनिया में कर रहे हो वो बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही नेक काम है अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे मैं अजर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा अल्लाह ताला तुझे हदायत दे पता नहीं वो कौन सा आदमी और कौन सी सा सास है जो बहू को अपने घर भजवा कर और औलाद नरीना की दुआएँ मांग रहे हैं मैं क्या कहूँ पहली बात तो ये दूसरी बात यह कि तुम्हारे शोहर ने कहा जब पैसे हो जाएंगे तुमने आज ही फोन करना है अपने शोहर को हाँ। उसे कहना पैसे हो गए हैं बस अब हाँ। तू हिम्मत पकड़ और तुमने मेरे पास आ और मर्द का बच्चा बन और मैंने तुझे एक फकीर के पास लेके जाना है उसका नाम है साजदा शाह नवाज बिल्कुल खत्म हो गई बात अल्लाह ओ खुदा का वास्ता आज खुदा की आज पहली मुहरम है और आज ऐसे ऐसे नेक काम जो है ना वो सरजद हो रहे हैं खुदा करे खुदा करे कि तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो हमें भी अपनी दुआ में याद रखें और जो जो दुआएं जिन जिन के दिलों में हैं खुदा उनको अहल बैत के सदके में कबूल भी करे छोटा सा वक्फा वापस आते हैं डॉक्टर साहब आदमियों को अगर

हमारी जो गाइनोकोलॉजिस्ट हैं वो जब जाती नहीं करती जब नहीं नहीं जब खातन जाती हैं ना फ़र्ज़ करें ख़ातून ने कह दिया अब वो जो अगर औरत साजिकली डिस्टर्ब है उसका बच्चा नहीं हो रहा वो कहेंगे मुझे इधर दर दर्द है मुझे डॉक्टर साहब इधर होती है मुझे डिस्चार्ज होता है वो कहती हैं बस तुम्हारी इन्फेक्शन है तीन चीज़ें बड़ी कॉमन है अभी आपके प्रोग्राम की वसात से मैं लोगों को बता रही हूँ कि आपको आम तौर पर चाहे कोई क्वैक है चाहे डॉक्टर है चाहे कोई भी हो कहेंगी तुम्हें वरम है सोजिश है अगर ये लफज कह रहे हैं तो इसका मतलब इसका है कुछ मतलब नहीं भी कुछ नहीं होता कुछ नहीं है उन्होंने ये निकालना ही निकालना है क्योंकि अगर आप उसको फीस दे के चले गए हैं वो आपको कह देगी कि वरम और सोजिश या कुछ नहीं कहेंगी नहीं। और कभी कहेंगी मुंह बंद है कभी कहेंगे मुंह उल्टा है औरत को सारी जिंदगी उसी पर चलना पड़ता है आपके ख्याल में मर्दाना जो बांझपन है या मर्दाना कमजोरी जो है जी ये पिछले बीस साल में बड़ी है मर्दों में ये बड़ी है ये मैं ही नहीं कह रही और भी कंसल्टेंट बड़ी यस ऑल ओवर दर्ल्ड क्या है क्यों बड़ी है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो हमारी किसी चीज के बारे में ना जानना एक्सेप्ट ना करना पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेल इनफर्टिलिटी है जब है तो, तो बड़ी क्यों इसकी मैं आपको बताती हूँ ना बड़ी इसलिए है कि इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं जितनी वो खराब हो जाती है आइट्रोजैनिक आइट्रोजेनिक का मतलब होता है कि डॉक्टर या क्वैक से बढ़ती है वो उसमें क्या होता है कि फ़र्श करें कि एक मर्द को प्रॉब्लम हुई है यूरिन की इन्फेक्शन हुई है वो उसके लिए कोई कुश्ते लेना शुरू हो गया हैवी कुश्ते तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा इन्फेक्शन तो अपनी जगह गुर्दों का प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा जो सिस्टम है वो यूरनरी ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है थीक. यूरन का प्रॉब्लम है तो मर्द के सीमन में भी प्रॉब्लम आएगा ठीक है फिर दूसरा जो हम लेते हैं मेल से शादी होने वाली है बहुत सारे हमारे जो लड़के हैं वो इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि ताकि ताकत मर्दाना ताकत ज्यादा हो उनमें क्या होता है स्टीरोइड्स होते हैं इसके अलावा टेस्टोस्टिर होते हैं ये चीज जब आपका टेस्टोस्टिर लेवल हाई हो जाएगा तो आप अपने आप को बूस्ट बूस्टिंग तो आपका आएगा लेकिन आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने का अमल खराब हो जाएगा ताकत तो बढ़ेगी लेकिन आपका स्पर्म कमजोर हो जाएगा कमजोर हो जाएगा बस दफ़ा हम कुछ दवाइयाँ ऐसी देते हैं जो स्पर्म को बढ़ाती इंक्रीज हैं करती इंक्रीज हैं। करती हैं तो हमें आके पेशेंट ये बताते हैं बल्कि खुतिन मेरे पास तो दोनों कपल ही आते हैं तो खातून कहेगी डॉक्टर साहब मेरे मियाँ को आपने दवाई दी है ये तो और कमजोर हो गए ये तो और खराब हो गए मैं आपसे कहती हूँ तुम्हारा और खराब होने का क्राइटीरिया क्या है सही। जी इनको ना ताकत नहीं है बिल्कुल ये प्रॉब्लम आ गई उसने वो थे और वो हारमोन लेना छोड़ दिया वो हारमोन्स लेना छोड़ दिए और वैसे भी जो मेडिसिन जो मेडिसिन आपके अफेक्ट करेगी एक मैं लोगों को समझाती हूँ कि आपके पास पानी <coughs> मोटर है टैंक है आपके दो पाइप हैं इकट्ठे जा रहे हैं आप क्या करेंगे दोनों में पानी कम है ठीक है आप एक पाइप को टोटल बंद करेंगे तो दूसरे में पानी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा उसको उसको ठीक करने के लिए क्योंकि आप इस साइड को बेहतर कर रहे हैं तो आपको दूसरी साइड को आरजी तौर पे बंद करना पड़ेगा मैं वापस सोनिया बेटा जी सोनिया बात जी फायदा जी फायजा सॉरी जी बेटा जी बिलाल भाई मैं फायजा बात कर रही हूँ लाहौर से जी बेहतर जी मेरी शादी को आठ साल हो गए हैं तो मेरे घर औलाद नहीं है अच्छा तो ट्रीटमेंट करवाया लाहौर में भी और अच्छा, बेटा, जब में जब बताते हैं ना कि बड़ा ट्रीटमेंट कराया तो जरूर बताया करो कि क्या ट्रीटमेंट कराया और क्या पता चला नॉर्मल दवाई डॉक्टर के पास गयी मेडिसिन मिली है मुझे क्या हूँ के बगैर का कहा उन्होंने Uh, मेरी एक एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी शादी के पांच महीने के बाद ठीक है ठीक है फिर उसके बाद कोई और भी हुई है वो एक ट्यूब तो निकल गई आपकी दूसरी दूसरी ट्यूब ठीक है दूसरी ठीक है लेकिन जहाँ भी मैंने चेक करवाया सब ने यही कहा है कि अब आईवीएफ ही होगा आपका हाँ उसका मतलब होगा कि आपकी दूसरी ट्यूब भी कम्प्रोमाइज होगी इनका वाकई आईवीएफ के अलावा हाँ ये बात समझती हो बेटा हाँ जी जी बिल्कुल अच्छा मैं मैं सारे लोगों से कहूंगा कि वो जब बात करें डॉक्टर साहब से डॉक्टर और वकील से ना आप पर्दा करके या इधर उधर की बात ना करें साफ़ बात करें दोनों ट्यूब जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना एक ट्यूब जो है वो प्रेगनेंसी प्रेगनसी चली गई दूसरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई इसका मतलब दोनों ट्यूब नहीं है तो वो आई की तरफ ही जाना पड़ेगा आप लाहौर में तशरीफ़ रखती हैं फिलहाल भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बिल्कुल भी मेरे हाली, माली हालात भी कुछ खराब हैं और फिर फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है तो बेटा तो आपकी क्या चाहत है कि क्या किया जाए मेरे साथ डॉक्टर साहब करें डॉक्टर साहब ने बहुत लोगों का मैं प्रोग्राम आपका देखती हूँ ताउन करती है हर एक के साथ।, तो तो साथ, में आपके साथ नहीं करेंगी नहीं करेंगी मुझे पूरी उम्मीद जैसे अल्लाह से उम्मीद ले 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 ले। करती है ये वसीले हैं बस वसी इंशाल्लाह और तुमने ये... तो आज इतने मुबारक दिन पे फोन किया है क्या बात है क्या बात है, है।, है। पहली पहली मुहर्रम को डॉक्टर साहब का दिल जो है ना वो भी मूव हुआ हुआ है डेफिनेटली तुम्हें सिर्फ अपनी मेडिकेशन करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब बाकी सारी चीजें खुद करेंगे यकीन करो ये बात जो है ना ये अमेरिका से यूरोप से फोन कर कर के लोग पूछते हैं कि भाईजान आप ये कोई मंजन बेच रहे हैं या है मैं उन्हें कहता हूँ खुदा के वास्ते ये मंजन नहीं है ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान में मुमकिन है रियासत मदीना जब इन शाल बनेगा ना तो भाई उस पट्टी के अंदर ना नाम लिखे होंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने वो काम किए जो मेरे अल्लाह और मेरे रसूल को पसंद थे जी असलाक बेटा जी बेटा सोनिया वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा जी मैं टीचर अपनी से बात कर रही हूँ जी बेटा बोलो बोलो वो मैं ना मेरी शादी को तीन साल हो गए हैं और मैं डॉक्टर साहिदा के पास गई थी फिर क्या हुआ तो उन्होंने मुझे ना उन्होंने मुझे ओवरी फेलियर का कहा है ओवरी फेलियर अच्छा, अच्छा. तू तो परेशान क्यों आपने आ? मुझे अच्छा फिर मेरी हेल्प कर दे, मैं, मैं नहीं तो तुम्हें तो 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 सोनिया मुझे याद आ गया है बिल्कुल तो क्या मैंने उस वक्त तुम्हारी हेल्प का नहीं कहा था कहा था या नहीं कहा था हाँ जी आपने मुझे कहा था था कि तो भी आपने था कि कहा मुझे लेटर लिखना वो मैंने लेटर लिखा था तो, तो भी। वो कुछ नहीं हुआ तो जल्दी तो नहीं ना होता सोनिया देखो आपका मैंने लिखवाया मैंने दर्ज कराया बल्कि वो जो मंसूर है वो भी मेरे सामने बैठा हुआ है ठीक है वो एंटर कराया मैंने आपको तसल्ली दी कि मैं अप्रूवल करा के आपके स्टेम सेल करवाऊंगी ये इसको मैंने कहा है बिल्कुल स्टेम सेल बता तुम्हें क्या हाँ। चीज़ है हाँ जी वो मैंने वो मैंने यूट्यूब पे देखा था आपने मुझे कहा था वो देखने के लिए हाँ। लेकिन तुमने तो कहा ये अच्छा शॉर्टकट है सिफारिश जो है वो बिलाल भाई से लो देखो मैं ईमानदारी से कह रहा सोनिया तुम तो मेरे बच्चों जैसी हो <laughs> जो जब चीजें जो है वो स्ट्रीम लाइन होना तो उसको हाँ। कहते हैं क्यूँ में खड़े होना हाँ। क्यों में खड़े होने से घबराते नहीं है ये नमाज जब आप पढ़ते हैं तो आप लाइनों में खड़े होते हैं वो कहते हैं कंधे से कंधा मिलाना क्यों ताकि डिसिप्लिन आए जब आपने ये मैं बात तंजन नहीं कह रहा ये मैं बात बिल्कुल अखलाकन कह रहा हूँ जब आपने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की नेमतों और बरकतों को ढूँढना हो और आपको अल्लाह ज़िंदगी में वसायल दे दे और वसीले का हाथ भी पकड़ा दे तो फिर मेरे ख़्याल में चेष्ती साहब किसी भी सूरत में इंसान को अखलाक तौर पर वो क्यों नहीं तोड़नी चाहिए जो कि उसको तो प्रमोट कर दे ना अबू बकर ने तोड़ी ना उमर ख़ताब ने तोड़ी ना स्मान गनी ने तोड़ी ना अली ने तोड़ी रसूल अलैहि वसल्लम ने क्यों कभी नहीं तोड़ी जो तरीक़ा जो इंतज़ार है वो करना चाहिए ताकि आप किसी और का हक ना मारें पहला दर्ज है बड़ी बात एक बड़ी ख़ूबसूरत कि अल्लाह ने हर चीज़ का एक तरीक़ा कार जो है वह मुन फरमाया सुनत अल्ला तब्दीला अल्लाह की सुनत नहीं बदलती तो अल्लाह ने हर चीज़ को एक निज़ाम के साथ की सुन्नत नहीं बदलती अपना काम अल्लाह किसी के लिए नहीं बदलता तो इसलिए जब एक चीज़ का हाँ। एक तरीका अल्लाह ने किया एक तरीके से दिन निकल रहा है तो वो वैसे ही निकलता जा रहा है ठीक तो इसी तरह जब हम मामिल के अंदर मुझे क्यों ऐसा लगता है चिश्ती साहब कि जब इंसान किसी भी तरीके से अपने आप को साइड लाइन करके ज्यादा अहम खुद समझे या समझे मुझे ज्यादा पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए मुझे लगता है ये तकब्बर की तरफ जाना होता है यहाँ पे कुरान बड़ी खूबसूरत रहनुमाई करता है कुरान फरमाता है इंसान है शहीनों जुला इंसान बड़ा जल्दबाज और उस जल्दबाजी में जब वो कोशिश व काविश करता है ना तो वो ना। परेशान हो जाता है तो अक्सर नुकसान उठाता है अक्सर जो है उसकी दिल आज़ारी होती है जल्दबाज़ी नहीं हर चीज़ का वक्त मुन जो में मैं बात कर रहा था तो उसके लिए इंसान की सरिश्त के अंदर जल्दबाजी है इसी जल्दबाजी को जो है रोकने के लिए अल्लाह के नबी अल्लाह को जल्दबाज़ी पसंद पसंद नहीं है तो ये चीज़ है और दूसरी बात मेरे बड़ी अभी बैठे सोच रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तिजारत करो तो सही और जो नुक्स वाला माल है अलग अलग कर दिया करो तो जब हम रिश्ते बेटियों के करते हैं और बेटों के करते हैं तो हम, तो हम अपने बच्चों है, को है, जो है, है थोड़ा सा दो हज़ार का टेस्ट करवा के है, है, है। सारा मामला औरतों पे डाल देते हैं अपने बेटे के स्पर्म टेस्ट करवा लें क्या फ़र्क पड़ जाएगा ताकि हम अच्छा पता मैं तो मैंने हो। अपनी ज़ाती तजर्बे में डॉक्टर साहब इस मामले में हो सकता है कि मेरे सुनने वालों के बाद जो है वो ज़्यादा नामनासिब लगे लेकिन मैंने इस मामले में ख़वान को बड़ा कॉपरेट करते हुए देखा है हमेशा अभी रिसेंटली कराची से एक बच्चा आया वो किसी न किसी हवाले से आर्किटेक्ट था तो उसने बड़ी अच्छी गुफ्तु की उसको प्रॉब्लम था मैंने उसे कहा कि ये इलाज हो सकता है और तुझे करवाना चाहिए तो अपनी मिसिस को लेकर आ मैं हर फैसिलिटी दूंगा लेकिन वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने शादी। उसको शादी से पहले भी पता था उसने शादी भी कर ली ये धोखा दही है ये यही बात तो कर रहा हूँ कि जब अल्लाह के नबी ने थोड़ी सी तजारत के ऊपर फरमाया तो ये एक तो बन रहा बहुत है बहुत बड़ी, बड़ी है। ये बहुत बड़ा मामला है अब तो इसमें देख लीजिए मैं आपकी बात सॉरी मैं इस पर मैं ऐड कर रही हूँ कि अभी ऐसे हम मुसलमान हैं कि वाकई शर्म आती है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ मेरे पास कितने ऐसे पेशेंट आए हैं कि उनके पर स्पर्मिया जीरो थे जीरो थे लेकिन उन्होंने चार चार शादियाँ कर रखी हैं जब मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपने आपको पता था ना कि आपका स्पर्म जीरो है तो फिर आपने क्यों शादी की तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे तो स्पम थे फिर मैं कहती हूँ कैसे फलाँ रिपोर्ट दिखाएं उससे पिछली में भी नहीं थे लेकिन वो कहते हैं और हर जो औरत साथ होती है मैं पूछूं कि पिछली में क्या प्रॉब्लम था कहती जी उसकी उम्र गुजर गई थी तो मैंने कहा जिस वक्त वो निकाह तो में उस वक्त तो उम्र थी ना अब तुम चलो यंग आ गई हो मैं एक और... ले लूं। जी जी एक बात जो है ना इस पे आपने खुद भी सोचना है और ये बहुत बड़ी मिथ है इस माशरे में हम मर्दाना ताकत को समझते हैं कि यही सारी चीज़ है नहीं जो मादा तोलीद है वो मरदाना ताकत के साथ होगा तो आप पांच नहीं है वरना पांच है और इसके इलाज मुमकिन अगर है एक फीसद भी तो उसकी तरफ जाना चाहिए वक्फा वापस आना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रही सारे के ऊपर बात करते हुए जाहिर है मुझे भी बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ लफ्ज़ों का चुनाव करना पड़ता है और अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों के अल्फाज को अगर मैं जोड़ भी लूँ तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ जिनसे मैं आपको समझा भी सकूँ और जो आम फैम भी हों मैं एक अटैम्प्ट करता हूँ मिसाल के तौर पर शादी के वक्त या अदरवाइज़ भी लोग हकीमों के पास जाके कुश्ते खाते हैं और वो जो कुश्ते होते हैं वो होते हैं वो हाई शुगर इनटेक होता है वो समझते हैं कि शायद ये कुश्ते खाने से हमारी जो मर्दाना ताकत है वो बढ़ जाएगी हो सकता है बढ़ती हो डॉक्टर साहब से पूछूंगा लेकिन इसका ताल्लुक उनके बाँझ होने या ना होने से नहीं है वो एक अलग चीज़ है कि आपके अंदर जो स्पर्म्स हैं जो मादा है वो ताकत रखता है वो जिंदा है या नहीं है ये अलग चीजें दोनों अलग चीजें दोनों जुड़ेंगी तो फिर एक सेहतमंद बात बनेगी डॉक्टर साहब आप फर्ज कीजिए कि एक ऐसा शख्स है हादसाती तौर पे या पैदायशी तौर पे वो मर्दाना ताकत रखता नहीं है ठीक है तो क्या उस शख्स के पास कोई चांस या चॉइस है कि अगर शादी हो चुकी है किसी भी तरह से तो वो बच्चा पैदा कर सके जी, बिल्कुल बच्चा पैदा कर सकता। कर सकता है।, है कर सकता ये हम लोगों को यही तो मैं मैसेज देना मैंने आपका नाम ठीक रखा है फिर नहीं नहीं बच्चा पैदा वाह देख बच्चा कैसे? पैदा करना और परफॉर्म करना ये अलग चीज़ है। अच्छा अच्छा सेपरेट थे, चीज़ है उसके लिए मैंने बहुत सारे कपल्स की काउंसलिंग की है उन्हें मैंने बताया है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लिविंग हैप्पीली उनके हस्बैंड ने कभी भी नॉट इवन अ सिंगल टाइम उनका कभी एक्सपोजर नहीं हुआ एक्सपोजर नहीं हुआ एक्सपोजर नहीं हुआ उसके लिए यानी कि कोई जिंसी ताल्लुक पैदा नहीं, नहीं हुआ।, हुआ इसके बावजूद वो बच्चा पैदा होता है वो बाप और माँ बन सकते, बन सकते, हैं।, हैं।, सकते हैं बिल्कुल Even हलाली तौर पे हलाली तौर बायोलॉजिकल पेरेंट उसमें क्या करते हैं कि अगर हस्बैंड इजैक्युलेट ही नहीं दे सकता हमें तो हम उनके टेस्टिसिस स्पर्म को एस्पिरेट करते हैं ठीक इनके निकालते, निकालते हैं निकालते हैं उसको हैं। निकालने के बाद फिर उसको सेपरेट किया जाता है फीमेल के एग लिए जाते हैं और आईवीएफ से बच्चा पैदा होता है लेकिन वो बायोलॉजिकली बिल्कुल होता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं हत्ता के कुछ लोग हैं एड्स के वो आदमी जो है वो तो ठीक है ना उसका इलाज करें लेकिन मैं खुदा की कसम आज उस औरत को सर पे हाथ रखना चाहता हूं जो ऐसे शख्स के साथ गुजारा कर रही है और फिर माँ बनना चाहती है क्या आ, बात आ, है बहुत सारी ऐसी क्या है? बात है आप कहें ना तो मैं आपको पूरी एक टीम दिखा दू क्या बात जो ऐसी खातन है अगर उन्हें बच्चा मिल जाए और उनका हस्बैंड उनसे मोहब्बत करता हो उन्हें कहती है बस काफी है हमारे लिए काफी क्या बात है क्या बात है डॉक्टर साहब अखर कोई शख्स मेडिकली मर्दाना ताकत नहीं रखता तो इसके लिए साइंस क्या कहती है उसके बहुत सारी वजूहत हैं हमें पहले रीज़न को देखना है कि वजह क्या है वजह क्या है और वो एक लंबी स्टोरी है उनके ब्रेन में हाइपोथेलमस में इफेक्ट है पिचुटरी में है उनके नीचे ओवरीज में है ब्लड में कुछ है हारमोन्स का प्रॉब्लम है या उनको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे कि शुगर वाले पेशेंट्स हैं और किसी ऐसी बीमारी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कुछ लोगों में एक आज बल्कि प्रोग्राम से ना मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ कि अगर आपको आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट आपको लगता है कि उसका अक्सर उसको एलर्जीज़ रहती हैं और उसको स्मेल सही नहीं आती सांस उसका जो है वो आम तौर पर बंद रहता है तो आम तौर पर और वो उनके बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है कि वो मेल एजोस्पर्मिया का शिकार हो यानी उनके स्पर्म में जीरो नहीं, हो नहीं होते या हो तो वो डेड होते हैं क्योंकि क्या उनमें प्रॉब्लम क्या होती है उनके अल्लाह ताला ने जो हमारा डक्टल सिस्टम बनाया है जैसे पैदा तो वो टेस्टीज में होते हैं आगे वो डक्ट में जाते हैं डक्ट में बॉर्डर होता है ब्रश सिलिया वो एबसेंट होता है जिसकी वजह से वो कभी भी वो मोटाइल नहीं होते और वो आते ही नहीं आते फरिया का बेटा तो ये भी काबिल इलाज है जी फरीहा जी सलाम अलैकुम फरिया जी राबिया सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई कैसे हैं आप ठीक हैं अल्लाह के अच्छा, शुक्र अच्छा, अच्छा, बेटा फरमाइए बेटा अच्छा, अच्छा मेरा सर मेरी शादी को डेढ़ साल हो चुके हैं ठीक है और मेरे मियाँ जो हैं उनका मैंने टेस्ट कराया था अपना भी ठीक है अच्छा, जी बेटा और Uh, मैंने जब अपना टेस्ट कराया तो मेरा टेस्ट तो ठीक था लेकिन जो मेरे हस्बैंड है उनके पहले जर्म जो थे वो फिफ्टी थे और अभी जब अगेन मल्टीवाइटामिन और कुछ मेडिसिन डॉक्टर ने उनको दी तो उनके जर्म जो है वो ट्वेंटी हो गए hmm. तो मुझे ये पूछना था कि मल्टीवाइटामिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपको नाम भी बता देती हूँ hmm. तो उससे क्या फर्क वो पड़ा है या मतलब क्या है क्योंकि मेरे अपनी रिपोर्ट थी और मियाँ की रिपोर्ट में हाँ रबा आप ज़रा गौर से दे मेरी बात को सुने अच्छा मेरा दे 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 ये दे मैंने हर प्रोग्राम में सोचा की मैं इस पे बात करूँ लेकिन होता क्या था कि बातों बातों में ख्याल नहीं रहता अच्छा ये जो लोगों का ख्याल होता है ना अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने दवाई दे दी और बाद में स्पर्म और कम हो गए तो या तो उसका सर फाड़ देंगे कि तुमने गलत दवाई दी गलत दी या फिर उससे नाराज हो जाएंगे या फिर कंप्लेंट करेंगे यही चीज आ गई एग्जैक्टली ये मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है दवाई ने आपका कुछ भी नहीं करना ना मल्टीविटाम ने उसको आसमानों पे ले जाना है ना, ना उसको नीचे जमीन पे ले जाना है। होता क्या है कि जिन लोगों में इस वक्त तमाम लोग मेल हजरा जो प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी अगर काउंट बतदरीज कम आ रही है, कम हो रही है तो ये याद रखें आपकी जीरो भी हो सकती है सबसे पहले तो आप अपने स्पम्प बैंक में जो भी आपको आईवीएफ सेंटर मिलता है उसमें अपने अपनी नस्ल को सेव से क्योंकि दवाइयाँ जो है ना वो इतना तो कर सकती हैं कि ये इसकी वो डैमेज को कम कर दें लेकिन रोक नहीं रोक सकते नहीं सकते जिस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी किसी भी जरूरत के लिए अपने मसाइल को साइंटिफिकली हल करने के लिए वो कहते हैं कि जनाब इसके लिए सिर्फ यही काम करना काफ़ी है कि हम दम कर लें और दरूद पढ़वा लें और ये कर लें दरूद तो नहीं मैं बात करना चाह दम कर लें क्या ये दोनों चीज़ें साइमटेनियसली अगर चलें कि दम भी हो और इलाज भी हो तो इसमें कोई शराी उजर तो नहीं है ने दोनों सुनत रसूल सल अल्लाह के नबी ने दवा खाई भी है उसका इलाज का तरीक़ा भी बहुत सारी ये जो बताई बताइए कि आप अजवा खजूर खाएं और वो जो एक दिन हम बहस कर रहे थे कुछ अजवा अजवा ये ये बुनियादी तौर पे एक है बहुत बड़ा हाई एनर्जी है एनर्जी होना एक अलग बात है लेकिन फिलहाल ये इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम मेडिसिन में जैसे जिंक है मैग्नीशियम है ये वो चीजें जो हम नहीं लेते हैं जो आमतौर पर हम डेफिशियंट होते हैं और मेल इनफर्टिलिटी में हम ये देते हैं और अगली बात कि यहाँ से हम इस्तलाल ये लेते हैं कि दवा की तरफ जो है अल्लाह के नबी ने जो है वो राग किया है और दूसरी चीज दुआ या वजाइफ ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल सकती हैं हमारे मुश्करे का अलमिया ये है कि या हम बिल्कुल जो है वो मजहबी हो जाते हैं या बिल्कुल सेकुलर हो जाते हैं इतल इतल नहीं, है। नहीं है जबकि अल्लाह ने तो इंसान को बनाया ही मुतदिल है जैसे सब सेहतमंदी के लिए औरत हो या मर्द हो अपनी जिसमानी सेहत के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए देखें जिसमानी सेहत के लिए अल्लाह का एक नाम है कवि कवि जो पढ़ना चाहिए ठीक है और कसरत के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि इंसान कवि होगा यह जिसमानी टॉनिक है रूहानी टॉनिक है जैसे किसी को मल्टी वाइटमेंस दे दिए जाते हैं या कवियो पढ़ने से उसकी नफसियाती तौर पर असाबी तौर पर दमागी तौर पर वो कामयाब हो जाता है ताकतवर हो जाता है और अल्लाह से रब तो वैसे ही इंसान को ताकतवर कर देता है डॉक्टर एक औरत जो है इसको अपनी हमल होने के बाद क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए वर्दिश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्या किस तरह से पहले तो मेरा इस बारे में ना टोटल दूसरे डॉक्टर से थोड़ा सा क्लैश है हमला औरत को सबसे पहले तो डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए इसमें दो कैटेगरीज़ हैं।, तो हैं।, हैं अगर तो आप सेहतमंद हमला औरत हैं या आप बीमार हमला औरत हैं अगर तो आप सेहतमंद हमला औरत हैं तो सिवाय इसके कि आपकी कैलोरीज इनटेक बढ़ जाएगा वो भी पहले तीन माह नहीं ठीक पहले तीन माह के बाद ठीक है कैलोरी इनटेक से मतलब है कि आपकी डाइट ज्यादा जो है अगर आप पहले 1500 कैलोरीज लेती थी तो अब आपको 2100 लेनी पड़ेंगी 2000 लें दो उस पे आ जाएं वरना आप उसको नॉर्मल अपने आप को नॉर्मल इंसान समझें कोई भी जैसे आप रूटीन में हल्का फुल्का काम करें ठीक है रूटीन में जो करें क्योंकि जो नॉर्मल हमल है उसमें आप पत्थर भी तोड़ लेंगे ना तो कुछ नहीं होता लेकिन अगर आपने चेकअप कराया और आपको पता चला यू आर अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी आप ब्लड प्रेशर की मरीजा हैं या आपके कोई यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम है या कुछ है तो फिर आपको जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके मुताबिक अपना करें ठीक है अच्छा अब मुझे बड़ा अफसोस होता है सासें कहती हैं लो जी छह बच्चे पैदा किए हैं इसको देखो ये ड्रामे कर रही है तो मेरा उन हो सासों को भी हो। मैं उन सासों को भी कह रही हूँ कि हो सकता है आप हेल्दी हो उस आपकी बहू का कोई प्रॉब्लम हो तो ज्यादा बेहतर है कि पहले डॉक्टर से विजिट कर लें फिर उसके मुताबिक डॉक्टर साहब एक हेल्दी हेल्दी प्रेगनेंसी है औरत बिल्कुल है तो वो अखर चाहे कि मैं हर वक्त आराम करूं मैं ना कुछ करूं क्योंकि मैं हामला हूं ना बोझ भी तो हो सकता है, ना। बिल्कुल होता ये है।, होता है बिल्कुल होता है देखेंटल ट्रामा है उसका उसके अंदर ऐसी फिजोलॉजिकल चेंजेस आती हैं फूड अच्छा नहीं लगता वो खुद नहीं समझ सकती तो अगर उसको ज्यादा आराम देने में हार्म नहीं है करना चाहिए ख्याल ट करना कौपरेट चाहिए डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ें जो कि फूड में शामिल करनी चाहिए या जो जो कोई ऐसी कि ऐड करने चाहिए एसिड एसिड जो है ना हमारे एसेट। एसेट। वो ज़रूर पहले तीन माह में करें और उसके बाद आपकी चीज़ों में ऐसा हो कि बैलेंस डाइट हो जिसमें हर चीज़ हो खास तौर पर खातान में जब सेकेंड्स तीन माह के बाद जब जाते हैं तो उस वक्त प्रोटीन इनटेक भी ज़्यादा करें लोग कैल्शियम भी ले लेते हैं मल्टी ले लेते नहीं हैं लेते। प्रोटीन्स नहीं लेते उनको दिया ही नहीं तौर हाँ जो जो तो पे वेजिटेरियन है ना जो लोग गोश्त नहीं खाते रेड मीट उनके लिए तो ये मस्ट है बल्कि जब शादी का प्लान करें तो साथ ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर जो गोश्त नहीं खाते जी जी वो प्रोटीन कहाँ से पूरा करते हैं अपना उनकी दालों से हो सकती है हो सकता है, इसके अलावा देखें अगर नहीं खाते ना तो हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है वो चीज़ है चीज़ जो, चीज, जो दूध से हा, बनती हा, है और इवन जो आप ये खाते हैं ना ची पिक्स से जो ये पिक्स से आप वो निकालते हैं ये क्या जो बनाते हैं हमारे अरेबियन जी इसको क्या कहते हैं जो डिप करके हम खाते हैं हमस हमस यस दैट इज अमेजिंग ये भी प्रोटीन का ये चने की दाल है ये चना से बनता है चनों से चने, बनता चने की है दाल दाल बनता क्या और बात वे? एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है ना वो पाकिस्तान में जो मैं देखना चाहता हूँ जो नहीं है मैं बल्कि कल पूछ रहा था तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है आप ईरान में जाएं आप इराक में जाएं तो आपको वहाँ लोग पनीर जो है वो अपनी नॉर्मल डाइट में तीन टाइम्स अ डे जो है वो खाते हुए मिलेंगे नाश्ता कुलचे के साथ पनीर है दोपहर को पनीर साथ रखा हुआ है या दाल पनीर है या गोश्त पनीर हर चीज के अंदर पनीर है अखर मैं ये कहूँ कि सहाबा की जो डाइट है वो बहुत ही ज्यादा सादा है तो क्या कहेंगे कि वो अपने लवाजमात कैसे देखते होंगे देखिए सहाबा की जो डाइट है वो अल्लाह के नबी की तरफ से उनको एक तोहफा मिली कला के नबी ने वो सारे तरीके से गुजर के दिखाया देखें सादगी के अंदर जो है ना वो इतनी ताकत है कि इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है क्या आप सादा रोटी खा रहे हैं सादा जो है वो चटनी के साथ खा रहे हैं तो ये चीज़ें जो होती हैं वो इंसान जो है वो सेहतमंद आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इनतहा शुक्रिया सब लोगों का जब कोविड नाइन्टीन आया तो लोगों ने एक रिसर्च और जो बातें हैं वो करनी शुरू की और कहा कि जो लोग रोटी खाते हैं प्याज खाते हैं थूम खाते हैं अदरक खाते हैं उनका जो अम्यून सिस्टम है वो बड़ा है मजबूरी ये है कि हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर सोचने से शायद अपने आप को बाज रखते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन भी एक बहुत बड़ी साइंस है मौका मिला तो इस पर गुफ्तु अगली दफ़ा